इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग के खराब प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। केकेआर के खिलाफ मैच में सीएसके को 10 रन से हराकर हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में सीएसके ने ब्रावो की बजाय केदार यादव पर ज्यादा भरोसा किया और उन्हें पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा, और यादव ने बल्लेबाजी में जो कमाल किया वो तो सभी ने कल देख ही लिया। खैर, सीएसके के इस फैसले की काफी अब आलोचना हो रही है, लेकिन कोच फ्लेमिंग ने फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि केदार यादव को रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो से पहले भेजा गया क्योंकि वो स्पिन को बखूबी खेलते हैं। यादव ने 12 गेंद में 7 रन बनाए। फ्लेमिंग ने कहा, हमें लगा कि केदार स्पिन को बखूबी खेलता है और रन बना लेगा जबकि जडेजा फिनिशर का काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हमें काफी आत्ममंथन करना होगा। कोच ने कहा कि उनके बल्लेबाजों ने मैच पर से पकड़ गवा दी क्योंकि 11वें और 14वें ओवर के बीच में सिर्फ 14 रन बने। उन्होंने कहा, उस समय अगर सैन वॉटसन या अम्बाती रायडू नहीं होते तो कहानी अलग ही होती। हम तेजी से रन नहीं बना सके और मैच पर से पकड़ छूट दी गई। सुरेश रैना की कमी टीम को एक बार फिर से खली, लेकिन फ्लेमिंग ने कहा उनके पास संतुलित टीम है। उन्होंने कहा, हमारे पास काफी बल्लेबाज हैं और टीम संतुलित है। मुझे नहीं लगता कि अतिरिक्त बल्लेबाज से कुछ मदद मिलने वाली है। धीमी विकेट पर स्पिनर रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ये सवाल एमएस धोनी के लिए है। ये फैसले मैं नहीं करता, मुझे लगता है कि वो हवा को देखकर यह फैसला लिया होगा और मध्यक्रम तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे थे। बता दें कि सीएसके की टीम इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन में अब तक 6 में से 4 मैच गंवा चुकी है। अगर आने वाले 1-2 मैच में सीएसके के प्रदर्शन में सुधार नहीं होता तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।